हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत और आप सबका गीत किचन में स्वागत है। आज हम सभी का फेवरेट क्रीम रोल बनाएंगे। क्रीम रोल को आप कभी भी बना सकते हैं, खास करके ये बच्चों की पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम मैदा लिया है, 50 ग्राम देसी घी लेंगे। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, इसकी जगह पर आप डालडा घी भी ले सकते हैं या अनसॉल्टेड बटर। 2 से 3 बड़े चम्मच ठंडा पानी लेंगे। यहाँ पर पानी और घी को कम से कम आधा घंटा के लिए फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दें। इसके साथ ही 1/4 टीस्पून नींबू का रस लेंगे और 1 पिंच सॉल्ट। क्रीम रोल के लिए सबसे पहले डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 150 ग्राम मैदे में सबसे पहले नमक और नींबू का रस ऐड करेंगे और इसके साथ ही इसमें 50 ग्राम देसी घी ऐड करेंगे। घी अभी हल्का सख्त है, इसे मैंने चाकू से छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब इसे हम उंगलियों से इस तरीके से मैदे में मिला लेंगे। यहाँ पर घी और मैदे को बहुत ज़्यादा हाथों से मसलते हुए नहीं मिलाना है। घी के इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करते हुए मैदे में हल्के हाथों से मिला लें। घी और मैदे को मिला लेने के बाद अब इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच ठंडा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और जितनी ज़रूरत हो उतना ही इसमें ऐड करें। पानी ऐड कर लेने के बाद अब इसे हल्के हाथों से मिलाते हुए इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आटे को बहुत ज़्यादा मसलना या गूथना नहीं है। इस तरीके से इसे हल्के हाथों से एक जगह इकट्ठा करते हुए इसका डो बनाकर तैयार कर लें। क्रीम रोल के लिए डो तैयार कर लेने के बाद अब इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। 15 मिनट के बाद इसे फ्रिज से निकाल लें और अब इसे हम बेलेंगे। इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लें। अब इसे हम रेक्टेंगल शेप में बेल कर तैयार कर लेते हैं। फ्रिज में रखे होने के कारण आटा अभी थोड़ा सख्त है। इसे हल्के हाथों से दबाते हुए इसे बेल कर तैयार कर लेंगे। बेलते समय इसके किनारों पे जो क्रैक्स बन रहे हैं उसे हल्के हाथों से इस तरीके से दबाते हुए बराबर कर लें और इसे प्रॉपर रेक्टेंगल शेप में बनाकर तैयार कर लें। डो को रेक्टेंगल शेप में बेल लेने के बाद अब इसे हम फोल्ड करेंगे। इसके लिए इसके एक साइड को इस तरीके से हल्के हाथों से उठाएंगे और इसे सेंटर तक लाकर फोल्ड कर लेंगे। अब दूसरे साइड को भी हल्के हाथों से उठाते हुए पहले वाले फोल्ड के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। जिस तरीके से स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ठीक उसी तरीके से इसे आप फोल्ड करके तैयार कर लें। डो को फोल्ड कर लेने के बाद अब इसे हम फिर से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। 15 मिनट के बाद इसे फ्रिज से निकाल कर इसे दोबारा से रेक्टेंगल शेप देते हुए रोल करके तैयार कर लें। इसके किनारों पे जो क्रैक्स आ रहे हैं उसे हल्के हाथों से दबाते हुए इसे बराबर कर लें। डो को रोल कर लेने के बाद अब इसे हम पहले की तरह फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। डो को पहले की तरह फोल्ड कर लेने के बाद अब इसे हम आखिरी बार फिर से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। 15 मिनट के बाद इसे फ्रिज से निकाल लें और अब इसे हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। डो को दो भागों में डिवाइड कर लेने के बाद अब इसके एक भाग को फ्रिज में रखेंगे और दूसरा जो पोर्शन है उसे हम बेल कर इसकी पट्टियां बनाकर तैयार कर लेंगे। बेलते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसे हमें बिल्कुल भी पतला नहीं बेलना है। इसकी मोटाई कम से कम आधा सेंटीमीटर तक के ज़रूर रखें।
डो को चौकोर आकार में बेल लेने के बाद अब इसके चारों किनारों को नाइफ से इस तरीके से ट्रिम करके निकाल लेंगे। चारों साइड्स को अलग कर लेने के बाद अब इसकी लंबी और पतली स्ट्रिप्स काट कर अलग कर लेते हैं। लंबी और पतली स्ट्रिप्स बना लेने के बाद अब इसके लिए कोन बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर डिस्पोजेबल बाउल लिया है, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। जनरली इसमें चाट या भेल सर्व करते हैं। सबसे पहले इसे इस तरीके से ओपन कर लेंगे और फिर इसे कोन के आकार में बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर इसके ऊपर कोई पॉलीथीन शीट लगी हुई हो तो इसे पहले निकाल लें और फिर इसकी कोन बनाकर तैयार कर लें। यहाँ पर जिस तरीके से मेहंदी की कोन बनाते हैं ठीक उसी तरीके से इसकी भी कोन बनाकर तैयार करना है। कोन को तैयार कर लेने के बाद इसे मैंने सेलो टेप से सील कर लिया है जिससे कि ये बाद में खुले ना। क्रीम रोल के लिए पतली और टाइट कोन बना लेने के बाद अब इसके ऊपर पहले से तैयार की हुई पट्टियों को इस तरीके से इसमें लगा लेंगे। कोन को हल्के हाथों से गोल घुमाते हुए पट्टी को इसमें लपेट लेंगे। एक पट्टी के ख़त्म होते ही इसके किनारे से दूसरी पट्टी को जोड़ लेंगे और इसे भी इसमें लपेट लेंगे। दो पट्टियों के जो जॉइंट है उसे अच्छे से पिंच करते हुए एक दूसरे के साथ जोड़ लें जिससे कि ये बेक करते समय खुले ना। एक कोन को तैयार कर लेने के बाद अब इसी तरीके से सारी कोन को तैयार कर लेते हैं। कोन तैयार कर लेने के बाद अब इसे हम बेक करेंगे। इसके लिए ओवन को पहले प्री हीट कर लें और फिर इसे 180 डिग्री सेल्सियस में करीब 35 टू 40 मिनट के लिए बेक कर लें। क्रीम रोल को बेक कर लेने के बाद इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए इसे बहुत ही सावधानी से कोन से अलग कर लें। इसके लिए कोन को थोड़ा पहले ट्विस्ट कर लें और फिर इसे हल्के हाथों से बाहर निकाल लें। अब इसमें व्हिपिंग क्रीम भरेंगे। व्हिपिंग क्रीम को मैंने पहले से ही व्हिप्ड करके तैयार कर लिया है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि क्रीम व्हिप करते समय इसमें थोड़ी सी चीनी और ऐड कर लें। क्रीम भर लेने के बाद इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें जिससे कि अच्छी चिल्ड हो जाए और फिर इसे सर्व करें। अब हमारा घर का बनाया हुआ क्रीम रोल बनकर तैयार है। आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ी स्प्रिंकल से इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, ये बहुत अच्छी बनी है। इसे ज़रूर बनाइए, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।